सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों को हो रही आर्थिक तंगी के चलते सोमवार से नाभिक युवा शक्ति महाराष्ट्र ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया है। इस दौरान एसोसिएशन के संस्थापक अमोल तालखंडे ने अधिक जानकारी साझा की। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की मार हर कोई झेल रहा है। इस बीच सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों को भी इस दौरान आर्थिक तंगी की काफी हद तक मार झेलनी पड़ी है, जिसके चलते नाभिक युवा शक्ति महाराष्ट्र ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि सैलून और ब्यूटी पार्लर कारोबार को विशेष दर्जा देकर खोलना चाहिए। इस बारे में एसोसिएशन के संस्थापक अमोल तरखंडे ने अधिक जानकारी साझा की। सैलून व्यवसाय जल्द से जल्द खुलना चाहिए, जल्द से जल्द सैलून व्यवसाय को महाराष्ट्र में परवानगी देनी चाहिए। अकेले एक महाराष्ट्र में सैलून व्यवसाय और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय इन्होंने बंद करके रखा है, सरकार ने बंद करके रखा है। सरकार किसी भी तरह से सैलून व्यवसाय को पूछ नहीं रही है। हमेशा एक साल हो गया सैलून व्यवसाय पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में। मैं सबसे विनती करता हूँ कि सरकार से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलने चाहिए। आज हमारे सैलून व्यवसायिकों ने 27 सैलून व्यवसायिकों ने आत्महत्या की है। किसी भी तरीके से सरकार इनके बारे में पूछ नहीं रही है, इनको किसी भी प्रकार का आर्थिक पैकेज दिया जा नहीं रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सैलून और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इस दौरान उनका कहना था कि जिन सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों ने इस कोरोना काल में आत्महत्या की है, उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की तो वो उनके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।